जांच खत्म होने के बाद आईएएस समीर विश्नोई और दोनों कारोबारियों को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद कारोबारियों समेत समीर विश्नोई को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर ईडी ने समीर विश्नोई पर कार्रवाई की है, साथ ही दोनों कारोबारियों पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। आईएएस समीर विश्नोई और कारोबारी सुनील अग्रवाल एवं लक्ष्मीकांत तिवारी को जेल भेज दिया गया है। उनकी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां ईडी के अजय सिंह राजपूत ने सुनवाई के बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल वारंट जारी किया। छत्तीसगढ़ में यह सब कुछ सरकार की नाक के नीचे चल रहा था। इसका भंडाफोड़ उस वक्त हुआ जब ईडी ने सक्रियता दिखाई। मुख्यमंत्री बघेल के करीबी अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों की नकदी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर है इस मामले में मुख्यमंत्री के नेतृत्व और कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में चल रही सामूहिक लूट को लेकर क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं? मुख्यमंत्री बघेल की करीबी डिप्टी कलेक्टर और उप सचिव सौम्या चौरसिया भी इसमें शामिल है। यही नहीं, कुछ एक आईपीएस अधिकारियों की काली करतूतें भी संदेह के दायरे में है। वहीं पूछताछ के दौरान सुनील अग्रवाल और उनके परिजनों ने सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी से अपनी और परिजनों की जान को खतरा बताया है। उसे अंदेशा है कि असलियत जाहिर करने पर उसे मार दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सुनील अग्रवाल और उसके परिजनों को एक प्रभावशील महिला अफसर सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी से खतरा है। पीड़ितों ने इस बारे में अफसरों को अवगत कराया है। पीड़ितों का दावा है कि सच बोलने पर उनके कारोबार को बर्बाद कर उन्हें भी मार दिए जाने का अंदेशा है। सूर्यकांत के फरार होने और सौम्या चौरसिया की अभी भी मुख्यमंत्री बघेल की उप सचिव पद पर बने रहने से न केवल जांच प्रभावित हो रही है, इसके लिए सौम्या चौरसिया की कार्यप्रणाली पर उंगली उठ रही है। सूत्रों के मुताबिक सौम्या अभी भी ईडी जांच को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उनके साथ कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी जेल में रहना होगा। न्यायिक रिमांड की अवधि 10 नवंबर को पूरी हो रही है। उस दिन तीनों आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की पूछताछ के बाद गुरुवार दोपहर बाद समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से बताया गया कि तीनों अभियुक्तों से उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। बचाव पक्ष के वकीलों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले सुनील अग्रवाल ने कारोबार के संचालन के लिए पत्नी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने के लिए आवेदन दिया। ईडी के वकील ने इसके लिए कुछ बिंदुओं पर आपत्ति की। उनका कहना था इससे कारोबारी साक्ष्यों को बदले जाने की आशंका बढ़ जाएगी। लक्ष्मीकांत तिवारी के वकील ने जेल में समय पर दवा आदि उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद ईडी के अधिकारी तीनों को केंद्रीय जेल ले गए। ईडी के अधिवक्ता ब्रिजेश चंद मिश्रा ने बताया, पूछताछ के दौरान बहुत से नए तथ्य सामने आए, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बहुत से दस्तावेज मिले हैं, कैश आदि की बात तो पहले भी आ चुकी है। अब सबकी जांच चल रही है, अगर फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ी तो अदालत में आरोपियों को फिर से कस्टडी मांगेंगे। ईडी ने आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को लंबी पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उस दिन दोपहर बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगा था, अदालत ने 8 दिनों की अनुमति दी। 8 दिन बाद ईडी ने फिर से 6 दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। गुरुवार को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद अब 14 दिन के लिए तीनों को जेल भेज दिया गया। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। समीर बिश्नोई के घर में लगभग 2 करोड़ का 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला था। इसके बाद 47 लाख रुपए कैश मिले थे। ईडी के पास जब सोना की कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आईएएस समीर बिश्नोई को कोर्ट में पेश करने से पहले मेकाहारा में उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। उनके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि नवनीत तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है।
इन सभी पर कोयला कारोबारियों से अवैध लेन देन और 8 से अधिक संपत्ति जैसे आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 अक्टूबर को दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, जिसके तहत नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक समूह कथित तौर पर अवैध कर वसूली की समानांतर प्रणाली चलाकर प्रतिदिन लगभग 2-3 करोड़ रुपए अर्जित कर रहा है। ईडी की एक बड़ी टीम ने सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे के साथ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैले 40 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। इनमें रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू का सरकारी आवास भी शामिल था। उसके अलावा खनिज विभाग के संचालक आईएएस जेपी मौर्या, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई, पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर सहित कोयला और परिवहन कारोबार से जुड़े तमाम व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ छापा पड़ा। रायगढ़ में रानू साहू नहीं मिली तो एजेंसी ने उनके सरकारी आवास को सील कर दिया था। बताया जाता है कि मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। आने वाले दिनों में रायपुर की सेंट्रल जेल में कई और चर्चित अफसरों को जेल में दाखिल कराए जाने के नज़ारे से इनकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।